नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको मालूम है कि आने वाली 22 तारीख को यानी 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया है और इस अक्षय तृतीया का या अक्षय तृतीया का बहुत ही महत्व है हमारे हिंदू सनातन धर्म में और हमारे ज्योतिष शास्त्र में भी अक्षय तृतीया का बहुत ज़्यादा महत्व है। तो मान लीजिए अगर आपकी कुंडली में कुछ ऐसे योग हैं, ऐसे पाप योग हैं या ऐसे बुरे योग हैं जिसके कारण आपकी सारी चीज़ें रुक गई है, आपकी सफलता रुक गई है, आपकी जो उन्नति है वो रुक गई है, आपके घर में शादियां नहीं हो रही है, आपके घर में बहुत किचकिच होती है, बिना वजह के बहुत सारे संकट आ जाते हैं, बिना वजह के आपके घर में मनमुटाव होता है, इस प्रकार की बहुत सी समस्या, आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, बच्चों का जो करियर सेटल नहीं हो पा रहा है, इस प्रकार की अगर कोई भी समस्या आपके घर में आ रही है तो इस अक्षय तृतीया को आप एक छोटा सा उपाय करके इन सारी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो वो उपाय क्या है और कैसे किया जाता है, अगर ये आपको जानना है तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभी इससे पहले मैंने आपको बहुत सारी समस्या बताई। अगर आप इन समस्या से जूझ रहे हैं तो कुंडली में कुछ दोष होते हैं जिसके कारण ये इस प्रकार की समस्या आपको आती है। जैसे पहला तो हुआ पितृदोष, है ना, इसके बाद होता है ग्रहण दोष। जब सूर्य या चंद्रमा राहु या केतु से ग्रसित होते हैं तो उस समय ग्रहण दोष लगता है। इसके बाद होता है पाप तरकरी योग, ठीक है, इसके बाद होता है विष योग, इसके बाद होता है चांडाल योग। इतने सारे ऐसे योग हैं जो खराब योग हैं जो हमारी कुंडली में होते हैं। कभी कभी सभी, ऐसा नहीं कि सभी की कुंडली में होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों की कुंडली में इस प्रकार के योग होते हैं। अगर ये योग आप जानते हैं तो ठीक है, और नहीं जानते हैं तो मैंने जो अभी आपको लक्षण बताए थे इससे पहले, वो अगर किसी के घर में हो रहे हैं तो इसका मतलब इनमें से कोई ना कोई योग आपकी कुंडली में मौजूद जरूर होगा। तो उस योग को ख़त्म करने के लिए या उसका प्रभाव खत्म करने के लिए आज एक उपाय करने वाले हैं। उस उपाय को मैं अभी डिटेल देता हूँ, आप उसको नोट करते चलिए, और अगर आप इस अक्षय तृतीया को ये उपाय करते हैं तो आप इससे मुक्ति जरूर पाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है कि अक्षय तृतीया के दिन पीपल के वृक्ष के पास समीप जाकर या पीपल के वृक्ष के पास जाकर या उसके नीचे जाकर आपको अपने पितरों के निमित्त, अपने पितरों के लिए घर से बनी हुई सफ़ेद मिठाई लेकर जाना है, और साथ ही एक जो मिट्टी का पात्र होता है, मिट्टी का घड़ा होता है, उसमें जल भर कर ले जाना है। ये दो चीज़ें आपको ले जाना साथ में। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको कच्चा दूध, गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल, जल, पुष्प, ये सारी चीज़ अर्पित करके, कहाँ पर अर्पित करेंगे आप, पीपल का वृक्ष होगा उसी के जो किनारे पे आप वहाँ पे रख देंगे सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताई है। और साथ ही आपको जो सफ़ेद मिठाई और जो घड़ा मैंने बताया था जल का, जो मिट्टी का बर्तन होगा, उसको भी आपको वहाँ पर रख देना है। उसके बाद उसकी आरती, धूप दीप, पूजा पाठ वहाँ पर सारे करना है, ठीक है। जब आप पूजा पाठ से निवृत्त हो जाए उस समय आप जो पितृ सूक्त होता है उसका आपको पाठ करना है, पितृ सूक्त का पाठ करना है, और इसके बाद आपको ओम नमो भगवती वासुदेवाय का एक माला करना है। ओम नमो भगवती वासुदेवाय की एक माला करना है, पितृ जो सूक्त है उसका आपको पाठ करना है, और जो मैंने सामग्री बताई है उन सभी सामग्रियों को वहाँ पर यानी पीपल के नीचे, पीपल के वृक्ष को अर्पित करना है और उसकी पूजा पाठ करना है। पूजा पाठ कैसे की जाती है वो आपको मालूम ही है, बहुत बार वीडियो में आपको बता चुका हूँ। जैसे सभी चीज़ों की पूजा होती है, सभी भगवान की पूजा होती है, इसी प्रकार से आप इनकी भी पूजा करेंगे। कुमकुम, रोली, चावल, अक्षत, ये सब चीज़ें जो लेके आप जो पूजा करते हो उसी प्रकार से इनकी पूजा करनी है। और फिर आप भगवान विष्णु से प्रार्थना करेंगे अपने पितरों को शांत करने के लिए, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप भगवान विष्णु से आप प्रार्थना करेंगे, और इस तरह से करके वहाँ से आ जाएंगे। अगर आप ऐसा अक्षय तृतीया के दिन करते हैं तो निश्चित ही आपको ये प्रॉब्लम जो हो रही है उन सभी प्रॉब्लम से आपको निजात मिलेगी और आपका जीवन सुखमय और शुभ होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।